सत श्री अकाल तुसीं वेख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी, मैं हाँ नीरू बिजलवान। चंडीगढ़ के विचकार मिलिट्री लिटरेचर फैसटिवल होया जिथे सीएम साहब हौसला अफजाई करने लिए पहुंचे। लैफ्टिनेंट जनरल टी एस शेरगिल मेरे नाल इत्थे मौजूद ने। सर, काफ़ी चिर बाद जो है फिजिकल लिटरेचर फैसटिवल होया, किस तरह का रहा? मेरे ख्याल दे विच चंगा हो गया, पर आप जे कहां वह सही नहीं होएगा। बाकी जिहड़े हैगे ने उह सानूं दस्सणगे कि किवें चलिया। उम्मीद है वह कहणगे कि सोहना चल गया, पर मेरी जिहड़ी दृष्टि हैगी बड़ी दूर दी हैगी है। और मैं चाहना कि अगले साल आपां इस तों वध के करिए। इस टाइम साढ़े जिहड़े पैनल सीगे वह सिर्फ 8 सन, अगले साल मैं 16 करना चाहता। और साढ़े जिहड़े पैनलिस्ट हैगे ने सिर्फ हिंदुस्तान दे नहीं बाहर दे देशां दे वी बुलाना चाहना, ताकि साढ़ा जिहड़ा फैसटिवल हैगा जिस तरह पहला आपां करदे सीगे वह विश्व विच फैल जाए। क्योंकि एक ही फैसटिवल हैगा मिलिट्री लिटरेचर फैसटिवल हिंदुस्तान का, और गर्व की यह गल हैगी कि पंजाब की धरती पर है। सर, कितने कितने अंदेशे लग रहे सी, ला रहे सी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शायद शिरकत कर सकते हैं, आर्मी ऑफिसर रहे ने, तो की लग्या कि क्योंकि आप जो साढ़े सीएम साहब ने वो किसी होर प्रोफाइल तो ने, किसी होर पिछोकड़ उन्होंने कुछ होर है, तो थानू की लगता कोई ना कोई डिफरेंस रहा होगा इस बार के फैसटिवल के विचकार? देखो, इन्हों मैं पहले मिलिया नहीं है, ठीक है। मैं इन्हों रिसीव किया तो थले आए, और मैं कि नोट किया, मैं ये नोट किया कि इन्हें जोश हैगा, ठीक है। जोश सब तो पहली क्वालिटी हैगी है फौजियां दी, ठीक है। सो जे इन्हें जोश हैगा और सानू सपोर्ट करेंगे, मैं पूरी उम्मीद है कि होर भी अगे निकल जाएंगे। अज मैं टैंक्स वगैरह सारे कवर करके आई हैं, वैपन्स कवर करके आए, तो मैं देखिया बहुत हैवी म्यूनिशनस जो है भावें रशिया तो, यूएसए तो, इंडिया मेड भी वैपन्स इतने मौजूद सके। पर सर, जब आप गल करते एम्यूनिशन की, राइफल्स की, बहुत सारी चीज़ें रीच लोगों ने, अच्छ बहुत फोटो, बहुत तस्वीर, बहुत नौजवानों ने खिंचवाइया ने, लेकिन आर्मी के भर्ती होने के लिए तुम्हें क्यों लगता, क्यों थोड़ी घाट आ गई है बच्चों के विचकार? जो जोश जनून पहले देखने मिलता सगा वो हूँ इस प्रोफेसन आर्मी के नजर आ रहा। देखो, गल इस तरह है कि एवन्यूज़ जड़े ने, ऑपरचुनिटीज़ जड़े है ने, वह वध गई ने। और साढ़े मुंडे खुंडे जड़े है ने, नौजवान लड़कियां जड़िया ने, वह भी हुण वेख रहे हैं कि बाहर आपां चलीए। एक तो वह है, दूजा जिधर तक तो आप समझते हैं कि साढ़े पंजाबी लोग जड़े है ने फौज नहीं जा रहे, ये गलत है। क्योंकि नैशनल एवरेज जड़ा है भर्ती का पंजाब नूं मिले हुए सिर्फ 2%, ठीक है, पॉपुलेशन के मुताबिक। पर अज भी साढ़े तकरीबन 8-9% जाते हैं विश्व तक, मतलब नैशनल तक। सो वो चल रहा है, पर वो जिहड़ा जोश होंदा है और ताकत होंदी है कि हाँ भाई मैं फौज जाना हैगा, वो तो आप कोशिश कर रहे हैं ना इन्हां च पैदा करन लई कि आ भाई तुसीं बैठे रहिंदे हो और वीडियो गेम खेलते हो, मारिया 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 पता नहीं किन्ने मार ले मैं, बस वो नहीं सानू चाहिए। आप समझाना चाहते हैं कि भाई ये मारन मूरन का कोई फायदा नहीं हैगा, तुसी योद्धे बनो, वॉरियर बनो। और वॉरियर जिहड़े हैगे ने सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस दे विच नहीं होने, हर एक वॉरियर हो सकता है। डॉक्टर वॉरियर हो सकता है, जिहड़ा बिजनेस करता है वह भी वॉरियर हो सकता है जे वह सच बोले। क्योंकि बड़ी वड्डी गल है फौजियों की कि वह सच बोलते हैं, ठीक है। मतलब कितने कितने काम, पेशेंस एंड कहिए कि एक माइंडसेट होना जो है फौजी लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि जो आप लड़ाई जाने बेशुमार नहीं आप मारते सोच के, क्योंकि सानू पता है कि जान जड़ी हैगी है प्यारी है, और सिर्फ वो नहीं जिन्हों आप मार रहे हैं वो पिछे भी मापे हैगे ने, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ। ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਮੀ ਆਫਿਸਰਸ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਫੋਲੋਵਰਸ ਅਗਰ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਗੈਂਗਵਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖ ਸੋਚ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹਾ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ,
कि गोली चलाई मार दे तो मार दे किन्ने मारे 600 मारे 700 मारे हुण लोकां च ऐ पैदा हो गया कि किसी नूं मारना एवें है यह गलत गल है तो यह जो वीडियो गेम बनाते हैं इन्हां ते पूरा कंट्रोल होना चाहिए कि इहो जिही गल तुसीं नहीं कर सकते जे कॉमिक कैरेक्टर्स हैगे ने ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੇਖੋ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 20-30 ਮਾਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ कि बस पिस्तौल उठाए किसी नूं मार दिता यह इंसानियत नहीं है यह तो जिवें राक्षस हैगे ने उस तरह काम कर रहे गैंगस्टर मैं समझदा राक्षस ने सर गन कल्चर नूं जिस तरह दी सीएम साहब ने शुरुआत की है कि गन दे नाल कोई भी फोटो नहीं पा सकता है ये नवी शुरुआत लगती है लगता है कि कितने ना कितने इस गन कल्चर दी ग्लोरीफिकेशन नू रोकण दे लई लगता है कि शायद आने वाले समय दे विचकार एक बेहतर पंजाब बन सके यूसी साडी कोशिश होनी चाहिए है पर तलवार जिहड़ी हैगी उहदे लोकां दोनों पासे होंदियां ने है कि नहीं तो हर पासे इकट्ठ हो सकता है पर साडी कोशिश होनी चाहिए कि यह तो एक किस्म की बेइज्जती हैगी हथियारां दी क्योंकि आप हथियारों को पूजते हैं और तुहानू पता है कि जदों दशहरा होंदा आप हथियार पूजा करने हैं वो इसलिए करने हैं कि जदों इनू मैं चुकया मार होवे पर जे मैं चुकया इट मस्ट बी राइटियस बिल्कुल ए चीज जे है ठीक है पता होना चाहिए कि सही किया यस जस्ट होना चाहिए क्योंकि फौजी कौन ने जदों आप सिविल जिहड़े साडे लोकी हैगे ने जे फौज उत्थे आ गई ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੇ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣਗੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਗੇ ਯੂਸੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਔਖੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਝੂਠ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਝੂਠ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਪਾ ਲੈ ਸੱਚ ਭਾਰੀ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਯੂਸੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਛੱਡਤਾ ਆਪਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਹੈ ਗਨ ਕਲਚਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਲਈ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਝ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਬਿਜਲਵਾਨ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ